मम्मी मम्मी। हाँ। अरे मम्मी आपको पता है आज मेरा बर्थडे है। अच्छा मुझे तो पता ही नहीं होगा, मैंने ही पैदा किया तेरे को। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू मम्मी। मम्मी आप ना मेरे को पैसे दे दो अब। किस नाम के पैसे? अरे नाम के नहीं, काम के। स्कूल में टॉफी लेके जाऊंगा। अच्छा अच्छा, मेरे ड्रॉअर में पैसे रखे होंगे, 100 रुपए ले जाओ उसे। 100 रुपए? 100 रुपए में क्या ही आता है मम्मी आजकल? 100 रुपए में एक टॉफी का पैकेट आ जाएगा, बहुत है इतना। चलो ठीक है, चला लूंगा काम। लेकिन आज ना मैं स्कूल की ड्रेस में नहीं जाऊंगा, घर के नए कपड़े पहन के जाऊंगा स्कूल में। किस खुशी में महाराज? अरे मम्मी बर्थडे है मेरा, इसमें क्या मुंह बना रहे हो, ये तो स्कूल वालों का रूल है। अच्छा अच्छा ठीक है, चला जियो। और मम्मी मैं क्या कह रहा था कि आज मैं स्कूल में स्कूल बस से नहीं जाऊंगा। अच्छा तो कैसे जाएंगे आप? वो पापा की बुलेट खड़ी है ना, तो वो ले जाऊंगा। अच्छा पुलिस पकड़ लेगी, लाइसेंस है तेरे पास? चोट लग गई तो? कहीं ना आती पुलिस वुलिस। मम्मी आप फालतू में बहाने बना रहे हो, ले जाने दो ना। नहीं मम्मी यार बर्थडे आज मेरा, ऐसे स्कूल बस में नए कपड़े पहन के जाऊंगा तो दोस्त लोग बेइज्जती कर देंगे। मैंने बोला ना नहीं लेके जाना। मम्मी मैं चौधरी खानदान का बेटा हूँ, और चौधरी खानदान का बेटा ऐसे स्कूल बस में नए कपड़े पहन के, वो भी उसके बर्थडे वाले दिन, ऐसे जाएगा? मम्मी चौधरी खानदान की इज्जत यहाँ है, और यहाँ से यहाँ गिर जाएगी। क्या आप चाहते हो कि चौधरी खानदान की इज्जत यहाँ से यहाँ गिरे? नहीं। तो फिर ले जाओ बुलेट। ले जा। और मम्मी वो फोन आईफोन वो भी ले जाऊं? बिल्कुल नहीं। मम्मी चौधरी खानदान की इज्जत। ले जा बेटा ले जा। थैंक यू मम्मी। बाय लालू। Put your hands in the sky for the flawless. All the extra massive disaster. I'm a monster, they call me the Santa. I'm a monster, they call me the Santa. I'm a monster. ये सुमित इतनी हवाबाजी में कैसे आ गया? बुलेट पे चश्मे लगा के, ना स्कूल की ड्रेस पहनी है इसने, और बैग भी नहीं है। अबे आज उसका बर्थडे है इसलिए आज वो इतनी हवाबाजी में आया है। अच्छा तभी देखूं ये ऐसे कैसे आ रहा है। चलो क्लास में चलते हैं। अबे ओ सी सेक्शन वाले, रिया से बात कैसे करी तूने? क्यों तेरे को क्यों जलन हुई? तेरी बहन लगती है वो। अब बहन होगी तेरी, मेरी होने वाली बी बनेगी वो। तेरे से पटेगी। शकल देखी अपनी, काले कलूटे वेस्ट इंडीज वाले भी तेरे से सुंदर है। अब फेरम लबड़ी लगा रहा हूँ, गोरा हो जाऊंगा कुछ दिनों में, देखियो रिया ना मुझसे ही शादी करेगी। अबे तेरे को तो फेरम लबड़ी का ड्राम में भी डबो देंगे ना, तब भी नहीं सुंदर होगा तू। फालतू नहीं बोल रहा, तेरी माँ बहन एक कर दूंगा मैं। अबे ओ हाथ भी लगा के दिखाइयो मुझे। तूने मुझे हाथ लगाया? अबे अभी तो पाँव भी लगाऊंगा। और पाँव मत लगाइयो, हाथ ही हाथ लगाइयो। ओ भाई से फालतू नहीं, चेले चपटो को बीच में नहीं बोलना चाहिए जब बड़े भाई बात कर रहे हो। तू भी तो बोल रहा है। ओ टटपूंजी है, तुझे हमारी गैंग का पता नहीं है। ओए भाई के हाथ लगा के दिखाओ, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें। अपनी इस औरत को समझा ले, ज्यादा फालतू बोल रही है। औरत कैसे बोल रही है? भाई है अपना भाई, मजनू भाई। हाँ तो इसकी दाढ़ी कहाँ है फिर? अबे तू दाढ़ी छोड़, जो लाइन पे फोकस करना, ध्यान से देख। हाँ अच्छी बात है उगाले। और तू बता तू कैसे फालतू बोल रहा था मेरे से? जानता नहीं है मुझे, घर से उठवा दूंगा तुझे मिनटों में। अच्छा घर से उठवा देगा? ओ भाई मैं तो डर गया यार मैं। डर के रहना पड़ेगा मुझसे। तू भाई को घर से उठवाएगा? और क्या उठवा दूंगा, क्या समझ रहा है? हाँ उठवा दूंगा। अबे कुर्सी तो तेरे से उठती नहीं है, तू उठाएगा कैसे? अबे कुर्सी तेरे जैसे ना 6-7 उठा रखे हैं, क्या समझ रहा है तू मुझे? अबे तू उठा के दिखाइयो, उठा के दिखाइयो पहले। क्यों लड़ रहे हो? सर देखना मेरे से फालतू में रिया के लिए लड़ रहा है ये। रिया कौन? सर आपकी बेटी। मेरी बेटी? रुको सर, सर आप मुझे मारोगे सर, मेरा बर्थडे आज। बर्थडे? हाँ सर, आपको कभी स्कूल में बर्थडे वाले दिन मारा किसी ने? तो सर यही तो बात है, आप मेरे को बर्थडे वाले दिन कैसे मार सकते हो? आपको पाप लगेगा सर मुझे मारा तो। सर ये फंसा रहा है आपको बस। तू निकल जाओ सर।
चल निकल। थैंक यू सर। अबे ओ सर गलती उसकी। बस बस रुको। वेरी गुड बेटा स्मिथ, तुमने है ना अपने बर्थडे पे ये पेड़ लगा के बहुत अच्छा काम किया है। तुम लोग भी सुमित से कुछ सीख लो, जब भी तुम्हारा बर्थडे आए तुम लोग भी अपने बर्थडे पे एक एक पेड़ लगाया करो, जिससे हमारी प्रकृति हरी भरी रहे। शाबाश बेटा स्मिथ, मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। अरे थैंक यू की जरूरत नहीं है, इसका ध्यान भी रखना है, कहीं ये दो दिन बाद सूख जाए, समझे? ठीक है सर, मैं इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। हाँ, और तुम सब लगाओगे ना अपने बर्थडे पेड़? हाँ सर। सर मैं तो मोमोज का पेड़ लगाऊंगा। और सर मैं चटनी का। मोमोज चटनी। बेटा तुम एक काम करो, चलो क्लास में चलो। सर आज मेरा बर्थडे है। ओह बर्थडे। हाँ भाई सारे बच्चे विश करो स्मिथ को। बस थैंक यू सर। बाकी लोगों को भी बांटनी है। क्यों और नहीं लेके आया? सर मम्मी ने इतने ही पैसे दिए थे। अच्छा कोई ना बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था, ये ले एक मिनट। जा बेटा बांट दे सब में। अब बांटने के लिए छोड़ा ही क्या है तूने? ओ मोटे तू मेरा दोस्त नहीं है, सिर्फ दो ही टॉफी ले तू, वापिस रख। सर मेरे को दूसरे सेक्शन में टॉफी बांटने जाना है, किसी को साथ ले जाऊं? हाँ ले जा बेटा, किसी को भी ले जा। हाँ तो बाकी बच्चे तब तक सारे कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, एक टॉफी मेरी, बाकी सारी सपना मैडम। ओए गुड्डू आज मैथ का टेस्ट है, तू कुछ पढ़ के आया है? मैथ का टेस्ट? ये तुझे तो यही नहीं पता किस चीज का टेस्ट है, तेरे से क्या ही पूछना। रुक अमन से पूछ दो। अमन आज मैथ का टेस्ट है तो कुछ पढ़ के आया है? नहीं भाई मैं तो नहीं पढ़ के आया, रुक रौनक से पूछता हूँ मैं। रौनक आज मैथ का टेस्ट है तो कुछ पढ़ के आया है? नहीं भाई मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ के आया, रुक मैं ना काम्या से पूछता हूँ। काम्या आज मैथ का टेस्ट है तो कुछ पढ़ के आई है? नहीं यार मैं तो कुछ नहीं पढ़ के आई, रुक मैं गुड्डू से पूछती हूँ। गुड्डू हो गया, किसी को कुछ नहीं आता है। अब बस हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन रह गया है। क्या? बोलो अब कुछ, ऐसे क्या देख रहे हो? सुमित भाई आज ना मैथ वाले सर टेस्ट लेने वाले हैं, प्लीज हमें बचा ले। एक मिनट, इसमें मैं कैसे बचा लूं? और वैसे भी मेरे को तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, टेस्ट लें चाहे कुछ भी करें, मेरा तो बर्थडे है। यार सुमित तो हमारा भाई नहीं है यार, क्लास में यूनिटी नाम की भी एक चीज होती है भाई, मैं तेरे लिए हमेशा बैग उठा के लाता था। मैं तेरे लिए टिफिन लाती थी और तेरे को खाना खिलाती थी और मैं तो तेरे हाथ भी दबाता था। अच्छा तो आज एहसान दिखाई दिया तुम लोगों ने? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, हम एहसान थोड़ी दिखा रहे हैं, दोस्ती तो दोस्त के काम आता है, प्लीज हमारी हेल्प कर देना। दोस्त हो तुम मेरे? हाँ तो मैं क्यों बचाऊं तुम्हें, मैं नहीं बचा रहा। अबे तेरे तो आज बर्थडे है ना, तू तो बचा सकता है ना, सर तेरे से टेस्ट नहीं लेंगे, तू उनसे बोल दे वो हमसे भी नहीं लेंगे, खिलाने ले चलेंगे। चलो फिर एक काम करो सारे प्लीज प्लीज करके रिक्वेस्ट, प्लीज सुमित भाई प्लीज, मजा आ रहा है एक बार और प्लीज।
प्लीज सुमित भाई प्लीज। अब तो तुम्हें मैं यमराज से भी बता लूंगा, बैठ जाओ। थैंक यू भाई। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, टेस्ट के लिए रेडी हो ना? चलो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, तब तक मैं टेस्ट बोर्ड पे लिखता हूँ। हाँ भाई कुछ बोलना जल्दी यार। अच्छा ठीक है, बोल रहा हूँ। सर सर मैं क्या कह रहा था, आज की जगह आप टेस्ट कल ले लेना। क्यों, कल क्यों? सर आज आज हमें गेम खिलाने के लिए ग्राउंड में ले चलो। अच्छा गेम खिलाने, पागल है क्या? अगर तुम्हारा टेस्ट नहीं लिया ना तो इंटरनल नहीं लगेगी, और अगर तुम्हारी इंटरनल नहीं लगी तो प्रिंसिपल सर मेरे को स्कूल से निकाल देंगे। जल्दी से टेस्ट लिखो। सर प्लीज सर ले चलो ना। एक बार बोल दिया ना, मैं नहीं लेके जा रहा। सर प्लीज। नहीं बोलना यार एक और बार। सर आज मेरा बर्थडे है। और सर आप मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? आप हमें खिलाने के लिए ग्राउंड में नहीं लेके जा सकते? क्या टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी का बर्थडे भूल जाओ? बस पकले रुलाएगा क्या? एक काम करो, तुम लोग जाओ बाहर जाके आराम से खेलो, मेरे को है ना ऑफिस में थोड़ा काम है सपना मैडम के साथ, तब तक मैं घूम फिर लेता हूँ। और हाँ ये मैंने तेरे बर्थडे के लिए किया है, वो भी आज आज, कल टेस्ट पक्का होगा, समझे? आ जाओ। थैंक यू भाई टेस्ट से बचाने के लिए। अगर तू हमें नहीं बचाता तो आज तो हम मैथ वाले सर के पास फंस जाते, फिर नंबर कम आते, वो भी हमें मारते और घर पे ही बता देते, फिर घर वाले अलग मारते। थैंक यू भाई तेरी वजह से हम बच गए। भाई यार देख, थैंक यू वैंक यू से काम नहीं चलेगा, मेरे को ना सबसे पहले बैटिंग चाहिए अब। बैटिंग? तू क्यों करेगा पहले बैटिंग? यार हद हो गई, मतलब मैंने तुम्हें टेस्ट से बताया और ऊपर से आज मेरा बर्थडे, मेरे को तुम बैटिंग नहीं दे सकते? अरे कोई ना, दे दो दे दो। हाँ हाँ कोई चक्कर नहीं, इसको बैटिंग दे दो, चलो चलो फील्डिंग पे लगा। हाँ दे दो दे दो, जाओ जाओ फील्डिंग पे लगो। अबे बैट इधर दे, चल फील्डिंग कर। लग गए ना सारे? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छे से लग गए। रेडी है ना तू? भाई थोड़ा धीरे डालियो, तेरे को पता है ना आज मेरा बर्थडे है। हाँ 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 पता है चल ठीक है, खेलने के लिए तैयार हो जा। अबे ओए चल आउट हो गया, दूसरे नंबर वाले को खेलने दे, जाओ ओए। आउट? ना 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 ना, मैं कोई आउट नहीं हूँ, आउट नहीं हूँ भाई मैं। ऐसे कैसे आउट नहीं है, मैंने अपनी चारों आंखों से देखा है, तू साफ साफ आउट हुआ है, किल्ली लिए पूरी। भाई मेरा बर्थडे है, मेरे को दूसरी बैटिंग चाहिए, मैं नहीं मांग रहा। दूसरी बैटिंग? अबे पागल हो गया क्या? अबे कोई नहीं भाई, आज इसका बर्थडे है, इसको दूसरी बैटिंग दे दे तू। कर ले बैटिंग। हाँ ठीक है कर ले कर ले। अब ध्यान से खेलियो, अब दूसरी बार करवा रहा हूँ, अब दोबारा नहीं खिलाऊंगा तुझे। ठीक है इस बार पक्का, आने दो। हाँ ठीक है तैयार रहियो। लग गए ना सारे? ठीक है। आउट है! ना 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 कोई आउट आउट नहीं है, ऐसे नहीं है। अभी देखियो अभी भी झूठ बोल रहे कैसे? भाई हम सबने देखा इस बार तेरी पूरी पूरी किल्ली ली है। ना भाई मेरे को एक और बार बैटिंग चाहिए, मेरा बर्थडे है देख। तीसरी बैटिंग? वे पागल है क्या तू? तो ऐसे पूरे दिन खेलता रहेगा, हम तो कुछ खेल ही नहीं पाएंगे, स्कूल भी खत्म हो जाएगा। मतलब अब तुम लोग मेरे से फील्डिंग कराओगे? हाँ और क्या, बैटिंग ली है तूने तो फील्डिंग तो करेगा ही। मैं नहीं कर रहा फील्डिंग, मैं खेल ही नहीं रहा, मैं तो मैच वाले सर के पास जा रहा हूँ, टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ उन्हें। अबे ओए 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 सुन रे, ले ले बैटिंग भाई ले ले। यार ये तो चला गया, इसका बर्थडे है ना तो सुबह से ज्यादा मैंने जा रहा है। हाँ इसका तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ भाई अक्कू चल खड़ा हो। ये बता दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आती? सर बीवी। बात तो बिल्कुल सही कर, बीवी पागल है क्या, मरवाएगा? खड़ा जा खड़ा जा। हाँ बेटा अमन तू बता। मे
मेरे को नहीं पता सर, मैं खड़ा ही आ जाऊँ। ठीक है सर, खड़ा रहे नालायक कहीं का। हाँ बेटा गुड्डू, तू खड़ा हो। ये बता, वास्को डी गामा भारत कब आया था? सर सर्दियों में। सर्दियों में? सर्दियों में कैसे? सर उसने इंस्टाग्राम पे पिक डाली थी, कोट पैंट पहन रखा था सर उसने। कोट पैंट? ओ गरम ऊन के कोट। तेरे को ना एक रैपेट मारूंगा, यहीं चक्कर खा के गिर जाएगा। खड़ा रह, खड़ा रह तू। रौनक बेटा तू बता, वास्को डी गामा भारत कब आया था? सर जब भी आया था उस टाइम तक तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था, मुझे क्या पता। अच्छा पैदा नहीं हुआ था, मैंने जो पढ़ाया वो भी नहीं पढ़ा होगा तुमने। अरे सर आपकी बात पे कौन ध्यान देता है पूरी क्लास में। कोई नहीं बेटा, तू भी खड़ा रहे। काम्या बेटा आप खड़े हो, आप ये बताओ पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? सर हमारे घर वालों ने मना किया है किसी की भी लड़ाई में पढ़ने से। तू भी ना लायक निकली, खड़े हो जाओ तुम। बेटा सुमित तुम खड़े हो, तुम ये बताओ दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? सर बताऊं? हाँ हाँ बता बेटा। सर आपकी बेटी। साले तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ा? सात अजूबों का नाम लेना, ताजमहल ताजमहल है ताजमहल। सर अब जो है वही बताऊंगा ना, मेरे को तो वही लगती है। अच्छा खड़ा रहते खड़ा रहते, पूरी की पूरी क्लास एक नंबर की नालायक है। रुको तुम लोगों को तो मैं अभी बताता हूँ। तू मेरी बेटी के बारे में बोल रहा था ना, चल हाथ आगे कर। तेरे को तो मैं सर रुको रुको, आज मेरा बर्थडे है सर, मुझे भी मारोगे? बर्थडे एक तो तेरा ये बर्थडे, चल ठीक है बैठ जा। सर आपने इसको क्यों नहीं मारा? अरे बेटा इसका बर्थडे है, जब तुम्हारा बर्थडे होगा तुम लोगों को नहीं पीटूंगा। चलो अब एक काम करो, जल्दी से अपनी होमवर्क वाली कॉपी बाहर निकालो, और जिसने अपना होमवर्क नहीं किया ना खड़े हो जाओ। सारी की सारी क्लास निकम्मी, तू बैठ जा बेटा। सर चुप, बर्थडे है इसका। और तुम हाथ ऊपर करो सर के सर। Place your left arm straight up in the shoulder. अबे भाई तू पागल हो गया क्या? स्कूल में फोन लेके आया है? चल ठीक है फोन लेके आया है, पर भाई तू डेस्क पे बैठ के खुलेआम पबजी खेल रहा है। अबे सर को पता चल गया ना वो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। ओए माँ मेरी बात सुन, मेरे को ना किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं। फाड़ में जा तू। प्लेस यूर राइट हैंड। ओए सुमित तू स्कूल में फोन लेके आया, तेरे को मालूम नहीं है स्कूल में फोन अलाउड नहीं है? हाँ सर पता है ये तो। अच्छा मालूम है तू फिर भी फोन लेके आया, चल मेरे को दे। क्यों सर मैं आपको फोन क्यों दूं? मैं नहीं दे रहा, मेरा फोन है, और वैसे भी आज के दिन मेरे को ये भी अलाउड है स्कूल में। तेरे को क्यों अलाउड है जब बाकी बच्चों को अलाउड नहीं है तो? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे? अरे यार ये बार बार बर्थडे बीच में क्यों आ रहा है? चल ठीक है तेरा बर्थडे है ना, एक काम कर ये फोन अपनी जेब में डाल, मेरे को दोबारा दिखना नहीं चाहिए वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ओए माँ ठीक है बाद में खेल लूंगा। द डिस्टेंस बिटवीन द फिंगर टिप्स। ढंग से पढ़ना थोड़ा। आप पढ़ तो रहा हूँ। थोड़ा अच्छे से पढ़। अबे पढ़ तो रहा हूँ, तू बार बार मार क्यों रहा है? तेरा बर्थडे है तो ना अपनी बनवानी मत कर। करूँगा इफ फिंगर टिप्स ऑफ। अबे मार क्यों रहा है सर जी, देख ले बार बार मार रहा, मैं इसे मार दूंगा। अरे बेटा इसका बर्थडे है बर्थडे। मैं घर जा रहा हूँ।
कोई बात नहीं, बढ़ गई। अंधा हो गया है क्या, देख के नहीं चल सकता? अरे बुड्ढे तू अंधा हो गया क्या, तेरे को दिखाई नहीं देता? बुड्ढा मैं? पागल हो गया क्या, अपने टीचर से ऐसे कौन बात करता है? मैं करता हूँ। तेरी तुम सर मारने के लिए कैसे आ रहे हो? बड्डे बड्डे है मेरा, आदमी मार पाओगे पाप लगेगा। बड्डे चल एक काम कर, ये बुक उठा। बुक उठा ले, तू सही में बुड्ढा हो गया क्या? इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है, पहले तो नहीं था इतना बदतमीज तू। करूंगा आज, मेरा बर्थडे है। अच्छा बर्थडे, बेटा आज है ना बर्थडे, कल तो नहीं है ना? तो हाँ मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, तेरे को तो मैं कल देख लूंगा। सर चिंता मत करो, कल पानी की बाल्टी लेके आऊंगा, आते ही मार दूंगा। तेरे को तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। कह भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकते, बुड्ढे किताब उठा ले। ओए माँ। उठा। चल अब क्लास में जा। नहीं जा रहा। रुक जा, तेरी शिकायत मैं प्रिंसिपल को लगाऊंगा। अरे जाओ जाओ, जिस मर्जी को लगा लेना, डरता थोड़ी ना हूँ, बड्डे है कोई हाथ नहीं लगाएगा। बड्डे बड्डे तुम लोग देखो, ये सुमित है ना, सुबह से अपने बर्थडे का नजायज फायदा नहीं उठा रहा, हम लोगों को तंग कर रहा है, सुबह से हीरो बन के बैठा है। तुम लोगों को भी तंग किया, तुम लोगों के साथ धोखा किया, और मेरे साथ तो बदतमीजी किया इसने, बदतमीजी। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन सर हम कर क्या सकते हैं, आज तो उसका बर्थडे है ना। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमारे जमाने में ना एक पुरानी प्रतिष्ठा होती थी, पुरानी परंपरा। कैसी परंपरा सर? हम लोग है ना, जिसका बर्थडे होता था उसके लिए केक लेके आते थे, और केक कटवाने से पहले उसको चप्पल और जूतों का गिफ्ट दिया जाता था। नहीं नहीं सर, मैं नहीं दूंगा उसे गिफ्ट में जूते चप्पल, मेरे पास इतने पैसे थोड़ी हैं, और वो इतना अच्छा भी नहीं है कि उसे जूते चप्पल गिफ्ट करूं। बस बस तू रहने दे, मुझे पता है तू कहां तक सोच सकता है। तुम लोग है ना बस एक काम करो, तुम लोग कंट्री करो और एक केक का इंतजाम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे सर हम क्यों पैसे कंट्री करेंगे, हम लोग तो गरीब छिंदी लोग हैं ना, आप ही दे दीजिए ना उसके केक के सारे पैसे। प्लान बता दिया कम है। ये भी अच्छा है, थैंक यू सर। चलो जल्दी निकलो, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। अब पता चलेगा सुमित के बच्चे को। बेटा सुमित केक कट करो। थैंक यू सर, तुम सबको भी थैंक यू मेरे लिए केक लाने के लिए, इतना सब करने के लिए। हाँ हाँ अब केक काटो। काटो सर। हाँ हाँ काट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सर। ये सारे के सारे ऐसे चप्पल जूते उठा के क्यों खड़े हैं, मतलब अच्छा गिफ्ट लाया मेरे लिए इतने जूते चप्पल, लेकिन मैं इतने जूते चप्पल का क्या करूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, रख लो अपने अपने पास, ठीक है? अरे बेटा ये हमारी परंपरा है, प्रतिष्ठा है, अनुशासन है, ये तो तुझे पूरा करना पड़ेगा। क्या मतलब सर? मतलब समझाओ भाई। अबे मेरे को क्यों मार रहे हो? अरे बस करो, देखो ऐसे थोड़े ना मारते हैं, तुम लोगों को मारना भी नहीं आता। थैंक यू सर मेरे को बचाने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, हैप्पी बर्थडे। मैं बताता हूँ कैसे मारते हैं। ऐसे मारते हैं birthday to you, happy birthday.